Hello to all, welcome to our channel Tech with Computer Tutorials. If you're new on channel, please subscribe and press the notification bell icon for latest technology videos. If you really like this video, please like, comment and share with your friends. If you dislike, tell the reason in the comment section. Thank you for visiting. Happy watching. Switch to silent mode, ringtone for calls and notification for silence now. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पीसी में बीएचपी साइट से कोई भी अगर लिंक आप ढूंढना चाहते हो तो इसी तरीके से आप कैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एनवीडीए चाहिए, तो आप क्या करते हो कि सर्च पर टाइप करते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें सर्च पर टाइप करने से भी हमारा आइटम वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं आज आपको एक लिंक, मतलब इतनी शॉर्टकट ट्रिक बताने वाली हूँ, कैसे शॉर्टकट ट्रिक जिससे आप डायरेक्ट उस लिंक पर पहुँच सकते हो, मतलब ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लो आपको गॉडवेव चाहिए तो आप उसके लिंक पर भी जा सकते हो। मान लो आपको ऑफिस चाहिए, विंडोज 10 चाहिए, तो आप इन जो ये लिंक हैं ये इतने ईजी तरीके से नहीं मिलते हैं। तो आज मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, आप उस ट्रिक के माध्यम से इन लिंक को इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा गूगल क्रोम ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे यानी कि blindhack.net साइट, मान लो इसी साइट की मुझे कुछ लिंक चाहिए है, तो है ना, तो मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ। ओके, अब यहाँ पे लिखना है बी L-I-N-D-H-E-L-T, ठीक है, ब्लाइंड हेल्प मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर मान लो मुझे चाहिए ऑफिस 2019 का मुझे लिंक चाहिए है, तो मुझे वही यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे लिखना होगा ऑफिस F-I-F-F-F-I-G-E-K-K-1-9-19 लिखा और यहाँ पे डाउनलोड लिख देंगे। अब ये सब मैंने लिख कर एंटर मार दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एच प्रेस करना है, यानी कि हेडिंग वाला एच। देखिए, ये लिंक जो है ये तुरंत हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। हम हेडिंग लेवल 3, देखिए मैं आपको सुना देती हूँ फिर से। अब इस लिंक पर आपको एंटर करना है। ओके, एंटर करेंगे तो हमने एंटर कर दिया है ना। अब आप फिर से एच प्रेस करना है आपको। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद एच प्रेस करना है। देखिए, अब ये सारे लिंक हमारे सामने आ गए हैं, मतलब बता रहा है ऑफिस में क्या क्या है। अब देखिए, एच करते करते हम डाउनलोड ऑप्शन पे पहुंच गए। अब हमें टैप करना है यहाँ पर, ठीक है। ये C2R है, देखिए प्रोफेशनल, ये इतने जीबी का है बता रहा है, देखिए मैं सुना देती हूँ आपको, ठीक है। अब आगे टाइप करेंगे, अब इन में से कोई भी ऑफिस एक डाउनलोड कर सकते हो। आगे टाइप करेंगे, ये तो तीनों 1 GB के ही है, तीनों सेम सेम है, अब इनमें मतलब अलग कोई भी नहीं है। ओके, होम बिजनेस वाला भी कर सकते हो, होम बिजनेस 2019, होम स्टूडेंट भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर आगे ये हुई है। तो अब हम मान लो मुझे चाहिए, यहाँ पे हमने ऑफिस की लिंक तो फाइंड कर ली है, ठीक है। अब मुझे विंडोज 10 का लिंक चाहिए है, वही मुझे वो मिलता नहीं है, तो अब मुझे वही लिंक यहाँ पे फाइंड करनी है। ऑल्ट डी करेंगे हम, ओके, ऑल्ट डी किया मैंने, और यहाँ पे फिर से हम ब्लाइंड हेल्प, ब्लाइंड हेल्प लिखा। अब यहाँ पे हम विंडो 10 लिखेंगे,
ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया, एंटर कर दिया मैंने सब लिख के, अब एच प्रेस करेंगे, ओके? देखिए, अब हमारे सामने विंडोज 10 की भी लिंक आ चुकी है, ठीक है? आप क्या करते हो, सर्च करते हो, सर्च में क्या है कि कई बार हमें लिंक नहीं मिलता है इतनी इजी तरीके से, है ना? तो ये तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप ये तरीका अपनाइएगा और आप इजी तरीके से किसी भी लिंक को बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब यहाँ पे इस पे भी एंटर करती हूँ, ओके? तो मैंने एंटर कर दिया, अब फिर से हम एच प्रेस करेंगे हेडिंग के लिए। ठीक है, अब हमें इस पर एंटर करना होगा, एंटर करेंगे, एंटर कर दिया। अब ये बता रहा है कि इस विंडोज 10 में क्या क्या है, नरेटर है, मैग्नीफायर है, जो जो इसमें डिफॉल्ट है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एच प्रेस करेंगे हम। ठीक है, तो आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो विंडोज 10 भी। ठीक है गाइस, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे फाइंड करना है गोल्ड वेब की लिंक, मुझे नहीं मिलती है इतनी इजी तरीके से, तो मुझे वह भी फाइंड करनी है यहाँ पे। तो अब मुझे ऑल्ट डी करना होगा यहाँ फिर से, और डी मैंने यहाँ पे गोल्ड वेब डाल दिया, लिंक डाल दी है, अब वो भी लिंक मेरे सामने आ चुकी है। एच प्रेस करेंगे। देखिए ये लिंक हमारे सामने आ चुकी है, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो हमारी यही थी, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना? तो चलिए गाइस, आगे फिर मिलते हैं किसी न किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर भी करें, और गाइस आगे हम फिर लाएंगे आपके लिए। ठीक है गाइस, आगे स्टार्ट बटन, पॉज बटन, स्टॉप बटन, तब तक के लिए धन्यवाद।